हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास विद एजुकेशन जूस्टर्स। कि आप सभी को मालूम है कि हमारी की वैकेंसी आई हुई थी DSSB, रिक्रूटमेंट क्रमांक आपका 1 20 दिया गया है। इसके अंतर्गत दोस्तों आपकी एक वैकेंसी आई थी जिसका नाम है हमारा क्या, लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर। ठीक है, इसकी आपकी पोस्ट कोड थी आपकी 16 20, आपकी पोस्ट कोड थी लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर, आपका पोस्ट का नाम था दोस्तों। इसकी जो एप्लीकेशन डेट थी आप देख पा रहे हो, इसकी 7 जनवरी 2020 थी और 6 फरवरी 2020 इसकी लास्ट डेट थी। ठीक है, तो दोस्तों इसकी जो वैकेंसी हमारी आई हुई थी लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर की, आप सभी को मालूम होगा कि इसका एग्ज़ाम जो हमारा होने वाला है, इसकी एग्ज़ाम डेट रिलीज़ हो चुकी जो कि हमारे 30 नवंबर 2021 को इसका एग्ज़ाम होना है। ठीक है, तो दोस्तों 30 नवंबर 2021 को आपके 3 एग्ज़ाम होने हैं। फर्स्ट होना आपका 4 20 यानी कि 90 20 वाली कोड का एग्ज़ाम ड्राइंग टीचर का, और सेकंड आपका होना का 16 20 का यानी कि लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर का, और थर्ड आपका होना है 39 20 का जो कि हमारा ड्राइवर पोस्ट का एग्ज़ाम है। तो दोस्तों हम यहाँ जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं किसकी, पोस्ट कोड 16 20 की लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर की। तो इसका जो एग्ज़ाम डेट है हमारे दोस्तों हमारे 30 नवंबर 2021 को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, डेट हो गया हमारे एग्ज़ाम डेट के बारे में। अब दोस्तों हम बात करें इसके सिलेबस के बारे में। देखिए, तो सबसे पहले हम इसके पैटर्न की बात कर लेते हैं। इसके पैटर्न क्या है देखिए, इसका जो पैटर्न एग्ज़ाम का, इसमें दोस्तों आपको 1 टायर एग्ज़ाम होगा जो कि टेक्निकल है। ठीक है, अब टेक्निकल में आपके कौन कौन से एग्ज़ाम आ रहे हैं, 4 20 9 20 10 20 12 20 14 20 15 20 16 20 और 18 20। ठीक है, तो ये आपको पोस्ट कोड होगा जिसमें कि दोस्तों आपका 16 20 जो लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर का पोस्ट कोड है, तो इसका एग्ज़ाम भी आपका सिंगल टायर में होगा। ठीक है, 2 घंटे का आपका पेपर हो जाएगा, 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स आपके इसमें हो जाएंगे। इसमें आपको पैटर्न 2 सेक्शन का आएगा, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन में आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल रीजनिंग, मैथमेटिकल, हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एक वो सेक्शन है जो कि आपका 20 मार्क्स का प्रत्येक सेक्शन रहेगा इसके अंदर भी, यानी कि हर एक सब्जेक्ट रहेगा। फिर सेकंड आपका सेक्शन बी। दोस्तों सेक्शन बी में क्या लिखा है यहाँ पे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न एज पर क्वालिफिकेशन, यानी कि इसमें जो पेपर आएगा आपका, यानी कि जो हमारा टोटल आपका 100 मार्क्स का रहेगा दोस्तों, इस 100 मार्क्स का पेपर जो हमारा जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उससे संबंधित आपका एग्ज़ाम आएगा 100 नंबर का। ठीक है, तो लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्लियर ये नहीं हो पाता है क्या कि 100 नंबर में हम क्या क्या पढ़ें, तो उसी का डिटेल सिलेबस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सेक्शन बी डिटेल सिलेबस ऑल टॉपिक हम इसके डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, और अगर आप चाहें इसके टॉपिक मैं भी आपको पढ़ा सकता हूँ, आपके लिए वीडियो ला सकता हूँ, अगर आप लोग कहें तो आपके लिए मैं वीडियो ला दूंगा। ठीक है दोस्तों, हालांकि फ़िलहाल में हम इसके सारे सब्जेक्ट देख लेते हैं, टॉपिक देख लेते हैं। तो देखिए ऐसे में दोस्तों पहला टॉपिक आपका आएगा समाजशास्त्र का उद्भव अर्थ विषय वस्तु एवं क्षेत्र, सेकंड आपका समाजशास्त्र का विकास अन्य विकास और संबंध, थर्ड प्राथमिक अवधारणा, और फोर्थ आपका सामाजिक प्रक्रिया सामाजिक स्तरीकरण। और उससे यहाँ पर देखिए मैंने रेड मार्क्स किया हुआ, रेड कलर की राइटिंग में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ए वाला टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में, जो कि आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये आपका परिवार विवाह एवं नातेदारी, सेवन्थ आपका समाज संस्कृति एवं व्यक्तित्व, ठीक है, 8वें नंबर पर आपका हिंदू सामाजिक संगठन, ये भी इंपॉर्टेंट है, फिर आपका सामाजिक परिवर्तन सामाजिक नियंत्रण ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन एवं विकास, फिर अगला आपका नगरीय एवं औद्योगिक समाज सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया, फिर 14 आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अपराध एवं बाल अपराध, सामाजिक विघटन समकालीन भारतीय सामाजिक समस्याएं, 17 18 इंपॉर्टेंट है अल्पसंख्यक कमजोर वर्ग स्त्रियों से संबंधित समस्याएं, 18वां समाज कल्याण के कार्यक्रम जो कि दोस्तों सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है आपकी पोस्ट के लिए, क्योंकि दोस्तों आपके पोस्ट का नाम ही है सोशल वेलफेयर ऑफिसर आप बोल लीजिए या फिर आप वेलफेयर इंस्पेक्टर बोल लीजिए, जिसमें दोस्तों आपको वेलफेयर स्कीम्स वगैरह आपको पढ़नी पड़ेंगी। अगला आपका समाजशास्त्र सिद्धांतों की
प्रक्रियाएं, अनुसंधान प्रक्रियाएं, सांख्यिकी विश्लेषण, पश्चिमी विचारक एवं संघर्षवादी, भारतीय विचारक, ठीक है। अगला है आपका प्रकारवार संरचनावार, 25वां व्याख्यात्मक एवं निर्वचनात्मक परंपराएं, 26 उत्तर आधुनिकवाद, उत्तर संरचनावाद एवं उपनिवेशवाद, 27 राज्य राजनीति एवं विकास, 28 आपका अर्थव्यवस्था और समाज, ठीक है। और दोस्तों हमारे लास्ट के दो टॉपिक बचे हुए हैं, जनसंख्या लिंग और समाज संवैधानिक प्रावधान। तो दोस्तों लास्ट के दो टॉपिक भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, VIP आप ऐसे लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका टॉपिक है, 30 टॉपिक जो कि आपको पढ़ने हैं, तो सिलेबस आपको मिल ही गया। अगर आप लोग कहें तो आपके लिए मैं वीडियो ला दूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जैसा कहें वैसा अपन कर लेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए चैनल को, और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।